क्या बोलूँ, गुड मॉर्निंग बोलूँ कि क्या, और इस वीडियो को भी दिल पे मत लेना क्योंकि पता नहीं, ओके, तो मैं आपको क्या बोलूँ, गुड मॉर्निंग बोलूँ क्योंकि मैं एक्चुअली आज सोया नहीं हूँ, आज 18 तारीख है और मैं 12 बजे लेट गया था, सोने की नहीं हूँ और सोच रहा हूँ मतलब कि मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब ये कि चल क्या रहा है मेरे साथ। चलो ठीक है, इतने दिन हो गए, मैं 2-3 साल से इंस्टाग्राम भी चला रहा हूँ, पेज भी है, चलो ठीक है, खुद का अकाउंट यूट्यूब चैनल, लेकिन उसके अलावा क्या यार, मतलब ये टाइम आ गया है मेरे सोचने का। तो मैं वही सोच रहा था कि यार, और आप खुद देखिए टाइम सुबह कितने 7:30-5 बजे देख रहे होंगे, अभी मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मुझे खुद पता नहीं चल रहा, अभी छन्नूलाल के पास में दुकान है, मेन गेट चौक बाजार है और सामने यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि यार करूँ क्या। अब अभी तो सब लोग बिल्कुल फुल है, अच्छी ठंडी लग रही सब, लेकिन मैं लोअर टी शर्ट में हूँ और ये कौन सी चैन वाली जैकेट, घड़ी का कौन सा कॉम्बिनेशन बना है मुझे समझ नहीं, इसको भी पहन के आया हूँ। उसके अलावा हमेशा मैं वीडियो थोड़ा लाइटिंग वगैरह में बनाता, लेकिन आज मुझे कोई मतलब ही नहीं लाइटिंग वगैरह से, मतलब मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना अभी बात है, और मेरे फेस पे भी कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा रहता है हमेशा ताकि वीडियो में क्या है। उसके अलावा बाल भी देखो, रात में मैं आया था कहीं घूम घाम के तो वहीं के सेट थे, उसके बाद मैंने उसको बिगाड़े भी नहीं थे और मैं डर लेट गया था, तब से ऐसे ही है। अभी ठीक से देख पा रहे हो, अभी तो मैं हूँ डाक खाने पर, तो मुझे थोड़ा सुकून चाहिए। 7 साल चौराहा है, लेकिन मुझे मुझे कोई मतलब ही नहीं, मुझे ये हो रहा है कि मैं अभी यहाँ से दौड़ते हुए, मतलब बहुत तेज़ दौड़ते हुए स्टेडियम जाऊँ, वहाँ पे बैठूँ सीढ़ियों पे 1 घंटे सोचूँ, इतनी ठंड है लेकिन मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लोग इतने जैकेट पहने हैं। ये मेरी यूट्यूब पे मतलब लास्ट वीडियो भी हो सकती है, मतलब अभी कोई कन्फर्म नहीं क्योंकि 20-25 वीडियो 10-15 शूट किए हैं, ओके, तो वो मैं अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी लास्ट वीडियो हो सकती है। सारे मेरे दोस्त बेचारे अभी सो रहे होंगे, मतलब सुबह 5:30 बजे क्या कर रहे होंगे, सो ही रहे होंगे। उसके अलावा मुझे आज इतने काम है, मतलब सुबह से इतनी ज़्यादा, आज का पूरा दिन मेरा शेड्यूल इतना बिजी था, लेकिन मैंने सब कैंसिल कर दिया, सब फर्जी है, मुझे अब क्या बताऊँ, फोटो शूट वीडियो शूट सब जगह जाना, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है उन सब चीज़ों से, समझ में नहीं है, मुझे शाम को भोपाल निकलना है, मुझे लग रहा है कि जस्ट यार मुझे अभी कोई पहुंचा दो, क्या हो क्या रहा है। अब देख सकते हैं हमारा मेन गेट है स्टेडियम का, हम स्टेडियम के बाहर हैं, अभी हम अंदर चलेंगे, वो छोटा गेट है उससे अंदर चलेंगे और मैं दिखाता हूँ। साला कंगाली में आटा गीला, देखो ये वाला जो छोटा गेट है ना, ये नहीं दिख रहा, तो ये जो छोटा गेट है इसमें ताला डला है, तो या तो इस गेट को नाक के जाओ, ये काफ़ी ऊंचा है, और या तो वो मेन गेट था वो थोड़ा छोटा है उसको नाक के जाओ, तो अब मैं उधर ही साइड चलते हैं। तो गाइस ये एक मेन गेट है, मतलब ये बहुत बड़ा है, लंबाई चौड़ाई वहाँ की ऊंचाई इसकी थोड़ा कम है, तो अंदर बच्चे तो हैं, या तो वो उसको नाक के गए होंगे या वो उस वाले गेट से, एक और गेट है उससे गए होंगे, तो अपन इसको नाक के अंदर चलेंगे। नाके तो बहुत गेट हैं, लेकिन ऐसे ऑनलाइन दिखा के सबको नहीं नाके हैं, बाकी मेरे हाथ में थोड़ा सा कालापन इसलिए आ गया क्योंकि इसके ऊपर एक ड्यू आ गई थी और दिन भर की उसमें धूल की परत जम गई थी, तो वो छूट गई है। इसके अलावा आप देखो स्टेडियम में, आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर से क्योंकि अभी मेरा मूड नहीं है। उसके अलावा मैं 2-3 राउंड लगा लूँ, थोड़ा गर्मी जाए, उसके बाद अपन शांति से कहीं बैठेंगे, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हमें अपने स्टेडियम के बास्केटबॉल कोर्ट में, और देख सकते हैं मैंने हाथ में बहुत इसलिए ले लिए क्योंकि एक अगर आप रनिंग करते हो या एक एथलीट हो तो उसके लिए सिर्फ 2 चीज़ की ज़रूरत होती है, लोअर टी शर्ट और सपोर्टर लंग, मतलब तीसरी चीज़ वो भी, तो वही चीज़ होनी चाहिए, तो मोबाइल और इन सब चीज़ों का काम नहीं होता। तो अभी अपन चलेंगे शांति से, मैं बिल्कुल कोने में बैठूंगा, 2-4 लोग हैं यहाँ पे, लेकिन आज मुझे बिल्कुल क्राउड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए शांति, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, मुझे शांति के साथ बैठना है और मुझे शांति से। ऐसे आप ड्यू देख रहे हैं, मतलब हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ कुछ मिली हो, मतलब मैं जहाँ बैठा हूँ ना वहाँ भी इतना ही गीला था, मतलब मेरा लोअर गीला होने वाला है, और आज 18 दिसंबर है और सुबह के 5:30 बज रहे हैं, तो इतनी तो लाजमी है इतना होना। अभी हम बैठे हैं सीढ़ियों पे बास्केटबॉल कोर्ट के जस्ट सामने, और यहाँ पे पूरे स्टेडियम में गिने चुने 5-6-10 लोग होंगे, और 1-2 लोग यहाँ आसपास भी हैं, और एक लड़का आ गया, वो गाना बजा के एक्सरसाइज कर रहा है, तो मेरा ध्यान भंग कर रहा है, मेरी शांति भंग कर रहा है। तो मैं क्या बोल रहा था कि यार गाइस मुझे समझ, मतलब आज मतलब पूरी रात एक तो मैं सोया नहीं, देखो समय भी हो गया है,
तो एक तो मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ, ऊपर से यार अजीब सा लग रहा है कि यार एक कर चल गया रहा है, मतलब ठीक है इंस्टा वंस्टा यूट्यूब वीडियो ये सब मस्ती मजाक चल रहा है, बाकी ज़्यादा हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। तो वही मैं बोल रहा था कि इन वीडियो शायद अपन वीडियो कम डालें या बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि और चीज़ें भी हैं, बाकी सब चल रहा है, सही चल रहा है, मस्ती मजाक पढ़ाई लिखाई। तो मेरा इसलिए मन हो रहा है यार कि भोपाल अब जाओ यार, बहुत हो गया यहाँ पे, लेकिन पता नहीं देखिए गाइस, मतलब ये ठंडी इतनी है कि यहाँ पे लोग बिल्कुल अपने आप को पैक किए हैं फिर भी कुछ परेशान हो रहे हैं कि भाई उनको ठंडी लग रही है, आगा ताप रहे हैं, लेकिन अपन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास अभी बहुत सारी वीडियो हैं, मैं उनको अपलोड करूँगा यार, करना ही चाहिए, लेकिन मन नहीं हो रहा है। और क्या हो रहा है मुझे तो पता ही नहीं चल रहा, और तो उनको तो अपलोड करूँगा क्योंकि भाई मेहनत से बनाई, फिर मेरिट की ऊपर से ब्लॉग वीडियो तो बहुत, चलो ठीक है बताना आप लोग भी क्या करना है। वही गाइस मैं कहने वाला था कि मतलब कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, तब तो मुझे मतलब ऐसे सब कुछ सही होने के बावजूद भी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो वो सब चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है और सुधारूंगा। अभी आप लोग भी ध्यान दो हर चीज़ों पे, मतलब मैंने एक बताया है कि जैसा मैं हूँ वैसे और लोग भी होते हैं, तो आप लोग भी ध्यान देना। उसके अलावा क्या बोलूँ, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, अभी मेरा माइंड ठीक हुआ, अभी 6 बजे हैं, लेकिन फिर भी अब मैं आधे घंटे सोच रहा था शांति से राउंड लगाने के बाद, लेकिन अभी मैं और सोचूंगा, उसके बाद जब मूड होगा तो निकलेंगे यहाँ से। अभी गाना ना बजा रहे, लेकिन मैं यहाँ से दूर जाऊँगा फिर से वहाँ पे बैठूँगा। अभी अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, और गाइस बाय यार, गुड मॉर्निंग, 6 बज गए यार, मतलब हाँ 6 बज गए।